इंसान को समझाया जाता है, जो ले लेता है उसको दे दिया जाता है। मैं लगता है खाद तो आती है पर खाद किसानों को नहीं मिल पाती है। जमीन पर 333 बोरी यूरिया आई थी, इसको हमने 266.50 रुपए के हिसाब से किसानों को वितरित किया है। हम इस समय खड़े हैं साधम सहकारी समिति खान गांव में। किसानों का कहना है कि ऊंचे दामों पर यूरिया लेनी पड़ रही है। इस समय हम खड़े हैं हर गांव के गन्ना विकास समिति व परिषद के कार्यालय में। किसानों को यूरिया ना मिल पाने के कारण बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन हो गए खाद नहीं मिले, यहाँ दौड़ के जाओ वहाँ दौड़ के जाओ। इस वक्त हम जनपद सीतापुर के विकास खंड पहला पर खड़े हुए हैं। फरवरी 2020 से यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। यूरिया के जरूरत है धान उखाड़े की, 15 दिन से ही यूरिया नहीं मिलते। इस वक्त हम खैराबाद की साधन सहकारी समिति पर सेहरा पर खड़े। इस वक्त आई इंडिया की टीम पहुंची है शाहजलालपुर। हम मौजूद हैं इसमें साधन सहकारी समिति पर सदा पर। हम इस वक्त विकास खंड आइडिया के साधन सहकारी समिति इमिलिया सुल्तानपुर में खड़े हैं। सीतापुर में यूरिया खाद की कमी के बीच काला बाजारी का बड़ा खेल हो गया। कोरोना काल में भी किसानों पर महंगे दामों में यूरिया खरीदने की दोहरी मार पड़ी है। एक एक बोरी के लिए कई कई दिन का इंतजार और मशक्कत करनी पड़ती है। ज्यादातर किसान सेवा केंद्र भी धोखा दे गए। दरअसल यह सारा खेल मगरमच्छों ने किया और जिम्मेदार मछलियों को पकड़ते रहे। सूत्रों की माने तो यूरिया खाद का खेल कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बड़े पैमाने पर हो जाता है और फिर खाद की रैक को एक दूसरे जिले में ट्रांसफर करने का खेल शुरू हो जाता है, ताकि खाद का संकट कर मनमाने दामों पर किसानों को खाद लेने के लिए विवश होना पड़े। मोटी कमाई कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है खाद के फुटकर विक्रेताओं का खेल और फिर मचता है हाहाकार। इस बीच किसान भी आवश्यकता से अधिक खाद का स्टॉक करने लगता है। जब हाहाकार मचने लगता है तब विपक्षी दल सरकार को घेरने लगते हैं। सरकारी मशीनरी छोटे छोटे खाद के दुकानदारों पर कार्रवाई कर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने में नहीं थकती, जबकि हकीकत में कुछ और ही होता है। आई इंडिया टीम ने खाद की किल्लत को लेकर ग्राउंड जीरो से जानकारी जुटाई है। हमारे सीतापुर संवाददाता दुर्गेश द्विवेदी, विपिन राजवंशी, महमूदाबाद से राजकुमार जैन, सिधौली से राजेश यादव, मिश्रिक से आलोक वर्मा, रामपुर मथुरा से संजय सिंह, सांडा से विनय अवस्थी, पहला से जितेंद्र कुमार, नेरी हेमपुर से अशोक तिवारी, थानगांव से अरुण सिंह, बरई जलालपुर से प्रमोद शुक्ला, तंबौर से सलील श्रीवास्तव और हरगांव से अनूप रस्तोगी की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखें। इस वक्त हम खैराबाद के साधन सहकारी समिति पर सेहरा पर खड़े हैं। समिति के आगे लगी रस्सी ये बयां कर रही है कि यहाँ एक दो दिन में खाद बटी थी। किसानों की माने तो कल शाम को समिति में खाद खत्म हो गई थी, इसके बाद समिति बंद कर दी गई। उधर सरकार ये दावा कर रही है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, जब सरकार किसानों को यूरिया ही नहीं उपलब्ध करा पा रही है। तो किसानों की आय दोगुनी होनी तो दूर की बात है। कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ दुर्गेश द्विवेदी, आई इंडिया, सीतापुर। हम मौजूद हैं इसमें साधन सहकारी समिति परसदा पर। आप देख सकते हैं इसमें ताला लटक रहा है। यहाँ के हर क्षेत्रवासी को खाद की समस्याएं आ रही हैं कि धान की फसल बर्बाद हो रही है। एक तरफ योगी सरकार किसान हितैषी का दावा कर रही है, लेकिन उन्हें खाद न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में
इस किसान हितैषी सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आई इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर अवधेश कुमार है। हाँ, क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि यहाँ जो खाद आती है, तक में लगती है खाद तो आती है, पर खाद किसानों को नहीं मिल पाती है। वो खाद आती है, दिखती है कि आई है खाद, पर किसानों को मिलने से पहले वहाँ आधार कार्ड जमा हो जाते हैं, सारी खाद ब्लैक हो जाती है। तो आप खाद लेने आए थे क्या? हम खाद लेने आए हैं। मिल पाई? नहीं मिल पाई। नहीं मिली अभी खाद। अच्छा, बताइए, सुबह से लाइन में लगे हैं यहाँ पर। अब 5 बोरियाँ, पहले बता रहे थे दो दो बोरियों का कर रहे हैं सिस्टम की, 2 बोरी मिलेंगी। अब 15 बीघे धान में 2 बोरी यूरिया क्या करेगी, बताइए आप। नहीं खाद दे रहे हो? 267 रुपए। किसानों का आरोप है कि जिंक का भी पैकेट लगा रहे हैं। किसान को समझाया जाता है, जो ले लेता है उसको दे दिया जाता है, बाकी 267 रुपए। कितने दिन बाद खाद आई है आपकी? अभी हमारी आई है 2 दिन बाद। कितना स्टॉक है? 410 बोरी की आई थी, फिलहाल लगभग 200 बोरी की आता। साधन सहकारी समिति पर तैनात सचिव उदय भान सिंह ने बताया कि हमारे पास 3 समितियों का चार्ज है, जिसमें रामपुर मथुरा, मझगवा एवं पारा रामनगरा का भी चार्ज हमारे पास ही है। इन्होंने बताया कि प्रति समिति पर 333 बोरी यूरिया आई थी, जिसको हमने 266 रुपए 50 पैसे के हिसाब से किसानों को वितरित किया है। एक आधार कार्ड पे अधिकतम 5 बोरी यूरिया दी गई है। रामपुर मथुरा से आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनेद के साथ संजय सिंह की रिपोर्ट। लाकड़े में रही थी, यूरिया की जरूरत है धान उखाड़े के, 15 दिन से यूरिया नहीं मिल रही है। डीएपी है, जाहिर कर काम नहीं है, यूरिया काम है, यूरिया मिलती नहीं। हमारा लगभग यूरिया के काम 15-20 दिन पहले रहा है, अब ही हुआ। सुरेश कुमार नाम है, डिगी हम रहते थे, तो हम आए तो यहाँ इतनी भीड़ रहा, जो जिस दिन यूरिया आई वह दिन सब बिक गए। हमका यूरिया मिल भी नहीं गए, खेत हमारा इससे पर यूरिया हम भी ले नहीं पाए, मिले नहीं पर तो भीड़ भी नहीं गए। कितने दिन से नहीं है यूरिया? लगभग 15-20 दिन हो गए, तब से यहाँ आई भी नहीं, आई रहा तो नहीं मिली ना रहा, इतनी भीड़ रहा, जो कुछ लोग पाए कुछ लोग वापस चले गए। किसानों ने बताया कि लगभग फरवरी 2020 से यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। कारण जानने पर मैंने कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया जो समिति का खाता है वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है, जिससे लगभग 4-5 माह से खाद उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर सरैया जाकर कर महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। ऐसी जो यहाँ पर समस्या एक और है, यहाँ के जो चौकीदार हैं उन्होंने यह बताया कि उस विभाग और अधिकारियों के मामले में उनका भी वेतन इस समय नहीं मिला है लगभग 5 माह से। इस स्थिति में उनके भी परिवार के सामने जो आर्थिक तंगी आ गई है वो कैसे निपट रहे हैं, उन्होंने यह चीज़ स्वयं आकर के बताई। आपको खाद कितने दिनों से नहीं मिल रही है? 15 दिन हो गए खाद नहीं मिले, यहाँ दौड़ के जाओ वहाँ दौड़ के जाओ, कहीं खाद नहीं मिले, कोई रेट नहीं मिल रही। कब से आप दौड़ रहे हैं? आज 15-16 दिन हो गए हैं। कहाँ कहाँ गए, किस किस गोदाम पे गए? यहाँ कटेली गए, नराहरा गए और जो सीतापुर गए, कहीं नहीं मिली। हम इस समय खड़े हैं साधन सहकारी समिति थान गाँव में, यहाँ पे यूरिया नदारद है। सचिव का कहना है कि पिछले रविवार को 300 बोरी यूरिया मिली थी, जो कल ही मंगलवार को दोपहर में ही खत्म हो गई थी। ज़्यादातर किसानों को प्राइवेट दुकानों से ही यूरिया खरीदनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि एक तो ऊंचे दामों पर यूरिया लेनी पड़ रही है, साथ में दुकानदार कुछ न कुछ उनके साथ में लगाकर बेच रहे हैं, जिससे काफ़ी महंगे दामों पर यूरिया लेने को किसान बेबस हैं। इस वक्त आई इंडिया की टीम पहुंची है शाहजलालपुर क्षेत्र में। किसानों को जो खाद नहीं मिल रही है या खाद की कमी है या महंगे रेट पर जो खाद मिल रही है, आइए किसानों से पूछते हैं कि यहां पर क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ, यहां खाद मिल ना रही भाई, सरकारी बोरी 300 सबकी है, 350 की मिली रहा है, यहाँ खाद है नहीं। सरकारी मिली थी कि प्राइवेट बोरी मिली थी? प्राइवेट बोरी मिली, सरकारी यहाँ खाद है नहीं। दुकान के मालिक यहाँ आज है नहीं, कहीं बाहर गए हैं किसी काम बस, और यहाँ अभी तक खाद नहीं है 26 अगस्त में। किसान आते होंगे?
यहाँ किसान दवाते हैं, भूज करके चले जाते हैं। क्या नाम है? त्रिभुवन लाल। कहाँ रहते हो? सिकरी बेटा। यहाँ खाद लेने आए हो? जी। खाद मिलती है बराबर आपको? मिलती है। कितने रुपए की बोरी है? 270 की। कितनी बोरी लोगे? दो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आपको खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कहाँ से खाद लेते हैं आप? साधन सहकारी समिति से लेते हैं या दुकान पे? साधन सहकारी समिति से लेते हैं। तो यहाँ पर कितने खाद मिल रही है? 270 की दे रहे हैं। अच्छा, खाद मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं। इस समय हम खड़े हैं हर गांव के गन्ना विकास समिति व परिषद के कार्यालय में। यहां पर किसानों को यूरिया ना मिल पाने के कारण बहुत इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समय यहां पर ना खाद मिल रही है ना यूरिया मिल रही है। किसान आते हैं और वापस चले जाते हैं। इस संबंध में जब हमने समिति के सचिव श्री भूपेश कुमार राय से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक ट्रक आया था, 450 के लगभग बोरी आई थी जो बट गई हैं और डिमांड लगाई गई है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद, गन्ना किसानों का इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद यूरिया ना मिल पाना किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट है। इसी तरह हर गांव ब्लॉक में कुल 13 समितियाँ हैं। 13 समितियों में केवल 4 या 5 समितियों पर इस समय खाद मिल रही है। ब्लॉक के एजीओ पंचायत राम निवास राणा ने बताया है कि 4 से 5 समितियों पर इस समय खाद मिल रही है, अन्य जगह पर खाद नहीं है। हम इस वक्त विकास खंड एरिया के साधन सहकारी समिति इमिलिया सुल्तानपुर में खड़े हैं। सचिव से बात की गई तो सचिव ने बताया कि उर्वरक जो आई थी वो बढ़ चुकी है। आपको यूरिया खाद मिलती है? मिलती है। कितने पैसे दिए जाते हैं? 270 रुपए। और कोई दिक्कत होती है यूरिया खाद लेने में? और कोई नहीं। भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, कभी कभी प्राइवेट भी लेते हैं क्या? नहीं कोई, हाँ कभी कभी प्राइवेट ले लेते हैं, उसे कम। प्राइवेट कितने मिलते हैं? प्राइवेट 80 के दे देते हैं, 75। खाद की किल्लत व कालाबाजारी की हकीकत से रूबरू कराती खबर आपने देखी। अब आपको जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे की कार्रवाई से भी अवगत कराते हैं, जिनके मुताबिक 109 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर छापा डालकर 22 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 17 संदिग्ध नमूने लिए गए। अब तक महोली, महमूदाबाद, रेउसा में 1-1 व सिधौली में 2, कुल 6 मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। इनके 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें साधन सहकारी समिति चुनका दुकानदार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के बाद गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई भी शामिल है। इतनी कार्रवाइयां फिर भी यह हाल, सवाल अपने आप खड़े हो रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।